अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हुआवे Y6P की स्पेसिफिकेशन और यार इस फ़ोन की प्राइस क्या होने वाली है पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या ये जो फ़ोन है आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान में, और तो बताऊँगा आज की इस वीडियो में। करते वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो कर लो। तो बस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की। तो यार इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है वो मिल जाती है एक IPS LCD डिस्प्ले, और ये 6.3 इंच की डिस्प्ले है। इसके अलावा ये जो है ये इसकी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 720p वाली डिस्प्ले है, और इसके अंदर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाएगी फ्रंट वाली साइड पर। तो डिस्प्ले के हिसाब से आप ये जो फ़ोन है इस प्राइस के अंदर यार काफ़ी डिसेंट है, इतना कुछ खास नहीं किया गया इस प्राइस के अंदर। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी प्राइस के अंदर आपको यार पंच होल डिस्प्लेस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में देखा होगा। तो यार इस फ़ोन में आपको पंच होल वाला कोई सीन नहीं मिल रहा, आपको वही वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले इस फोन में आपको देखने को मिल जाती है। तो यार अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की कैमराज की। तो बैक वाली साइड पर आपको यार ट्रिपल या कैमराज मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का, 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अब मैं देख रहा हूँ यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना इस फ़ोन के बारे में काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ के लायक नहीं है ये फ़ोन दोस्तों इस प्राइस के अंदर। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे चल के बता दूँ क्यों नहीं है वो। तो कैमरा जो इस फ़ोन के जो है वो भी काफ़ी डिसेंट है, इतने कुछ खास नहीं है। इस प्राइस में आपको यार क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट साइड के कैमरा की बात कर लेते हैं नॉच में, तो उसके अंदर यार आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है फ्रंट वाली साइड पर। यार फाइनली हम आ जाते हैं इस फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस की, तो यार इसके जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, 3GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट। तो प्राइस की हम आगे जाके बात करते हैं। तो प्रोसेसर जो इस फ़ोन में आपको मिलता है वो मिलता है MediaTek Helio P22 वाला प्रोसेसर, और यार अब ये जो प्रोसेसर है इतना अच्छा नहीं है इस प्राइस के हिसाब से। यार इन्फिनिक्स यही प्रोसेसर देती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ मैं, क्योंकि ये प्रोसेसर अच्छा नहीं है यार। 20,000 के हिसाब से भी आपको ये फ़ोन प्रोसेसर दे रहा है P22, तो ये अच्छा नहीं है प्रोसेसर, आप ये मेरी बात याद रखिएगा। आपको रियलमी का जो C3 है उसके अंदर सारी यही स्पेसिफिकेशन मिलती है, बल्कि उससे बेटर डिवाइस है। उसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek Helio G70 वाला। तो अब ये जो प्रोसेसर है इस प्राइस के अंदर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अब ये जो फ़ोन है बिल्कुल यार मुझे बेकार लगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के OS की, तो यार इसके अंदर आपको Android 10 मिल जाता है, और ये Huawei की जो EMUI है 10 के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर आपको Google की जो ऐप्स उसकी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ है, इस प्राइस के अंदर आपको Google की ऐप्स की सपोर्ट भी देखने को नहीं मिल रही, तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी है। इसके अंदर आपको Huawei की ऐप गैलरी मिल जाती है, लेकिन यार इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐप्स अवेलेबल नहीं है। आप इस फ़ोन में यूट्यूब नहीं चला सकते डायरेक्टली, आपको ब्राउज़र के थ्रू चलाना पड़ेगा, तो शॉर्टकट तरीके से आपको चलानी पड़ेगी हर चीज़। तो यार ये झंझट कौन करेगा इसी प्राइस में, और अच्छे ऑप्शन है, इस फ़ोन का प्रोसेसर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं कर सकता यार। कोई यूट्यूबर है कुछ मैं देख रहा हूँ वो इस फ़ोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तारीफ़ नहीं करेंगे, हम भाई सच्चे हैं दोस्तों, हम खुशहाली मचाएंगे, हरियाली हरियाली हो जाएगी हर जगह। अबे साले। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की, तो इसके अंदर यार आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और अब ये जो फ़ोन है किसी भी फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आता, इसके अंदर वो स्टैंडर्ड 10W की नॉर्मल चार्जिंग इस फ़ोन में आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बॉडी की, तो यार ये टोटली प्लास्टिक से बनाया गया है, बैक वाली साइड भी प्लास्टिक की है और साइड्स भी जो है वो भी प्लास्टिक की है। लगता ही ऐसा लगता है गिलास का, लेकिन ये एक्चुअली भाई प्लास्टिक का ही है। तो यार दोस्तों अगर हम बात कर लेते फाइनली इस फ़ोन की प्राइस की, और यार मेरे ओपिनियन की, क्या ये फ़ोन आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान में, तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार ये एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, 3GB रैम 64GB वाला वेरिएंट, जिसकी कुछ प्राइस देखी जा रही है 20,899, यानी आपको ये तकरीबन 21,000 का मिल जाता है ये फ़ोन। तो यार 21,000 के हिसाब से अभी फ़ोन जो है इसके अंदर आपको 64GB स्टोरेज मिल जाती है, ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट है, लेकिन वहीं पर आप देखते हो कुछ इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड और टेक्नो जैसे ब्रांड्स की, तो वो 128GB भी आपको प्रोवाइड करे इसी प्राइस में 21,000 में, और 64GB और 4GB रैम का कम्बिनेशन भी मिल रहा है। तो यार ये फ़ोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, अब ये जो फ़ोन है बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, एक तो इसके अंदर आपको कोई गूगल ऐप की सर्विसेज ऑफिशियली नहीं मिलेगी, वही आपको ऐप गैलरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो है इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस, वो थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगी है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी बेकार लगा है मुझे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस फ़ोन में जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँ ये फ़ोन आप ख़रीदो, क्योंकि इसके अंदर आपको गूगल ऐप सर्विसेज का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाती वीडियो ख़त्म। आप लोग मुझे बताओ ये फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा। तो बस यार इतना स्टूडियो के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अपने पन के साथ। दिस इज उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अलाफ।